के अध्याय 9.2 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। देखो बिंदु 15.5 और 9.20 यहाँ किसका प्रयोग हो रहा है, मतलब एक बिंदु तो आएगा इधर और एक बिंदु आएगा उधर, जहाँ भी और का प्रयोग होता है, एक बिंदु तो इधर और एक बिंदु उधर, यहाँ हो रहा है आपके और का प्रयोग, मतलब एक बिंदु तो आएगा इधर और एक बिंदु आएगा उधर। देखो इधर कितना है 15.5 और इधर कितना आएगा 9.20 को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को कोई एक रेखाखंड मिलाता है, यहाँ से ये दो बिंदुओं को ये कोई रेखाखंड मिला रहा है, रेखाखंड को बिंदु 11.15 मानो यहाँ पर कोई बिंदु ही है, जिसके भी निर्देशांक दे रखे हैं कितने 11.15 यहाँ जो निर्देशांक दे रखे हैं 11.15 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये वाला जो बिंदु है इसको किस अनुपात में विभाजित करना है, आगे वाले को बोलते हैं x1 और y1, पीछे वाले को x2 और y2, और जो यहाँ पर याद करना होता है उसे क्या बोलते हैं x और y, और अनुपात को लिखते हैं m1 अनुपात m2, हमें यहाँ क्या याद करना है m1 और m2 याद करना है। अब देखो नाम दे दो, चाहे तो ये दे दो बी दे दो और सी, ये कोई जरूरत नहीं है, किसी दो चाहे मत दो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करेंगे, हमें M1 और M2 ज्ञात करना है, कल भी हमने सीखा था, कल भी हमने दो क्वेश्चन में M1 और M2 ज्ञात किया था, जब बिंदु x अक्ष पर था क्या निर्देशांक लिखे थे x, 0, y अक्ष पर था क्या निर्देशांक लिखे थे 0, y, वहाँ तो बिंदु के एक एक निर्देशांक था, x वाले में भी 0 था y वाले में भी, यहाँ तो आपको पूरा बिंदु ही दे रखा है दोनों के, x का भी मान दे रखा है y का भी, दो सूत्र थे, एक तो x का सूत्र और एक y का सूत्र, x का भी मान दे रखा है और y का भी, दोनों में से मर्जी आए जो सूत्र लगाओ आपके उत्तर आ जाएगा, या तो लगाओ x वाला या लगाओ y वाला, हम कौन सा x वाला लगा लेते हैं, बताओ x वाला क्या होता था, x बराबर m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, यहाँ क्या आएगा और पीछे क्या आएगा x1, यहाँ तो आएगा x2 और यहाँ आएगा x1। आप देखो x का मान कितना है 11, x का मान 11 है 11 लिखो, वहां तो कितना होता था दोनों सवालों में 0, तो कितना लिखा था हमने 0 लिखा था। अब देखो ध्यान दो m1 याद कर रहे हैं, ऐसा कैसे आ जाएगा m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, क्योंकि ये तो ज्ञात करने हैं, तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, यहाँ क्या आएगा x2 कितना है 9, यहाँ तो आ जाएगा 9, और m2 की x1 कितना है x1 है, यहाँ आ जाएगा 15। हल करो 11 का तो 11, 9 को m1 से गुणा किया 9 m1 प्लस 15 को m2 से किया 15 m2 बटे कितना M1 प्लस M2 और M1 प्लस M2 हल हो गया, इधर बटे में कितना मान लो एक, क्या करोगे मल्टी एक हो जाएगा इससे और एक हो जाएगा इससे, एक को तो करो 9 M1 प्लस 15 M2 M2 बराबर, अब 11 दोनों से गुणा होगा, अब 11 M1 प्लस 11 M2 M1 एक साइड लाओ 11 M1 एक साइड लाओ M2 एक साइड, बताओ लाओ इधर कितना है 9 M1 M2 लाओ इधर M1 लाओ सॉरी M1 कितना आएगा माइनस का 11 M1 उधर क्या बचा 11 M2 इधर से M2 को ले जाओ उधर माइनस में जाएगा कितना माइनस का 15 M2 9 M1 में से 11 M1 गया माइनस का 2 M1 बताओ 11 में से 15 गया माइनस का 4 M2 अब माइनस से माइनस M2 को तो लाओ इधर 2 को ले जाओ उधर M2 को तो इधर ले आओ और 2 को उधर ले जाओ क्या गया M1 बटा M2 गुणा है तो भाग में आएगा उधर क्या बचा 4 बटा गुणा है तो बटा कितना 2 अब देखो 2 से है तो कट गया कितनी बार 2 बार
दो से कट गया कितनी बार? एक बार। बताओ अनुपात क्या आया? एम वन अनुपात एम टू कितना आया? दो अनुपात एक। किस अनुपात में विभाजित करेगा? दो अनुपात एक। देखो ये आपके आठवां क्वेश्चन, यदि पी बिंदु पी 3.5 बिंदुओं ए -2.3 और बी और का प्रयोग यहाँ हो रहा है, ये बिंदु तो आएगा इधर और बी बिंदु आएगा उधर, जहां भी और का प्रयोग हो, ये विशेष है और का प्रयोग हो रहा है, मतलब एक बिंदु तो आएगा इधर और एक बिंदु आएगा उधर, और का प्रयोग यहाँ हो रहा है, ये वाला बिंदु इधर क्या नाम है? माइनस का 2.3 उस बिंदु का क्या नाम है? केवल बी है, तो हम बी लिखेंगे, जो दे रखा है वो लिखेंगे। बताओ क्या नाम है? बी। इस बिंदु का क्या नाम है? ए। तो इस दोनों बिंदुओं को कोई ये रेखाखंड मिला रहा है, ये रेखाखंड, ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड को ये बिंदु है जो पी, क्या नाम है? पी। यहाँ पर कोई बिंदु है पी, बताओ इसके निर्देशांक 3.5। ये ए और बी बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को पी बिंदु 4:7 में कौन सा विभाजन करता है? अंतर विभाजन 4:7, समझे? 4 बार तो इधर है और 7 बार इधर है। अब आपसे कह रहा है पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कौन से बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने? ठीक है, आगे वाले को लिखते हैं x1 और y1, नीचे वाले को लिखते हैं x2 और y2, बीच में जो क्या होता है x और y, और ये अनुपात m1 अनुपात m2, अनुपात को लिखते हैं m1 अनुपात m2। अब देखो ध्यान दो, देखो तो x1 y1 x2 y2 x और y m1 अनुपात m2, हमें क्या ज्ञात करना है? बी बिंदु के निर्देशांक, x2 भी ज्ञात करना है और y2 भी ज्ञात करना है। देखो जब हमें लास्ट वाला या फर्स्ट वाला निर्देशांक ज्ञात करना है, दोनों सूत्रों को अलग अलग लगाओ, x वाले को भी अलग लगाओ और y वाले को भी अलग लगाओ। बताओ x वाला क्या होता है? x बराबर, बता रखा है ट्रिक, अंतर विभाजन है तो प्लस आएगा माइनस, प्लस आएगा क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, यहाँ तो क्या आएगा x2 और यहाँ क्या आएगा x1। अब y वाला भी लगाओ, दोनों अलग अलग लगाओ, जब ये बिंदु या ये बिंदु ज्ञात करना हो, बताओ क्या है? y बराबर, y ज्ञात करना है, क्या होता है? m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, यहाँ क्या आएगा? y2, यहाँ क्या आएगा? y1। अब ये दो x, बताओ बेटा x का मान कितना है? 3 है, यहाँ है 3 बराबर, m1 का मान ये रहा कितना है? 4 प्लस m2 का मान 7 बटा 4 प्लस 7, यहाँ तो क्या आएगा? x2 और यहाँ क्या आएगा? x2 का मान करना है 11, x2 लिखेंगे, यहाँ लिख दो कितना? x2। बताओ यहाँ x1 का मान कितना है? माइनस का 2, हल करो, 3 का तो 3, 4 को x2 से गुणा किया 4x2 आएगा, 4x2 7 उन्नीस प्लस माइनस माइनस का 14, 7 और 4 कितने हो गए? 11, बटे में एक मान लो, क्या करोगे? बटा इसको इससे और इसको एक को इससे करोगे, सेम आएगा 4x2 - 14 और क्या 33 आ गया। अब मान किसका ज्ञात करना है? माइनस में किस में जाएगा? प्लस में जाएगा, 4x2 बराबर 33 प्लस का कितना? 14। अब गुणा किस में जाएगा? बाद में, x2 बराबर 33 और 14 कितने हो गए? 47 और गुणा वाला किस में आएगा? 47/4, तो x2 का तो मान आ गया कितना? 47/4। अब बात जा रहा हो तो दे दो, नहीं जा रहा है इसे रहने दो। अब y का मान ज्ञात करेंगे y वाला सूत्र से, बताओ y का मान कितना है? y का मान 5 बराबर m1 m2 वही है 4 और 7, 4+7/4+7, ऐसे टेक्निक का प्रयोग करोगे तो आपको आसानी से याद भी रहेगा, गलती होने के चांस भी कम। y2 कितना है? याद करना है y2 लिखेंगे, y2
और फाइव वन कितना है, यहाँ लिखे कितना, तीन। अब पांच का तो पांच, अब देखो चार को वाई टू से गुणा किया तो चार वाई टू प्लस सात दिया सात, चार और सात बटे में एक, मान लो क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक और सेम आएगा क्या आएगा चार वाई टू प्लस इक्कीस बराबर ग्यारह पाँच पचपन। अब प्लस वाला माइनस में चार वाई टू बराबर पचपन माइनस इक्कीस, चार वाई टू बराबर कितना बचा, यहाँ बच गया चार, यहाँ तीन चौतीस, चौथी बता देना बड़ा किसमें जाएगा वाई टू बराबर चौतीस बटा चार। देखो दो का भाग ऊपर भी जा रहा है और दो का भाग नीचे, दो का भाग कितनी बार, दो का भाग कितनी बार, तो वाई का मान कितना गया सत्रह बटा। बताओ बी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स टू भी है और वाई टू भी है, तो बी का तो बी, एक्स टू का मान कितना आया सैतालीस बटा चार, वाई टू का मान कितना आया सत्रह बटा दो। जब भी ये वाला बिंदु ज्ञात करना हो या ये वाला ज्ञात करना हो, दोनों एक्स वाला और वाई वाला दोनों सूत्र क्या लगाएंगे, अलग अलग लगाएंगे। देखो अबे आपके नवा बिंदुओं 11.9 और 1.2 और का प्रयोग हो चुका, तो एक बिंदु इधर और एक बिंदु उधर, और का विशेष ध्यान रखना है आपको, एक बिंदु इधर और एक बिंदु उधर, इधर क्या आएगा 11.9 उधर क्या आएगा 1.2। बिंदुओं को मिलाने वाला वाली रेखा, इन बिंदुओं को ये रेखा मिला रही है, ये लाइन मिला रही है, इसको ये रेखा मिलाती है, रेखा को समत्रिभुज, सम मतलब समान, त्रि मतलब तीन, भाजित मतलब भाग, ये रेखा इन दोनों बिंदुओं को तीन बराबर बराबर भागों में बांटती है, तीन बराबर बराबर भागों में, देखो तीन बराबर बराबर भाग कैसे कैसे, एक दो, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, कितने भाग हो गए तीन भाग। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, अगर तीन भागों में बांटेगी तो कितने बिंदु आएंगे दो, एक बिंदु तो यहाँ और एक बिंदु यहाँ, अगर चार भागों में बांटती तो कितने बिंदु आते तीन, एक कम आएगा, अगर पांच भागों में बांटती तो चार, या तीन भागों में बांट रही है मतलब ये दो बार काटना है, तीन भाग बन गए ना, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग, तीनों भाग कैसे है बराबर बराबर है, माना ये बिंदु ए ये बिंदु बी, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी, ठीक है। अब आगे वाले को क्या बोलते हैं, एक्स वन वाई वन, एक्स वन और वाई वन, नीचे वाले को एक्स टू और वाई टू, और देखो ये भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसे क्या बोलते हैं एक्स और वाई, यहाँ भी हमें एक्स वाई ज्ञात करना है और यहाँ भी हमें एक्स वाई ज्ञात करना है। अब देखो अनुपात भी नहीं दे रखा है, तो देखो क्या करो थोड़ी देर के लिए एक बिंदु को भूल जाओ डी को, अभी हमें कौन सा बिंदु ज्ञात करना है सी ज्ञात करना है, डी को भूल जाओ, जैसे लाइन ये है आपके, अब लाइन में बताओ कितने भाग है तीन भाग है, लाइन में कितने भाग है तीन, अभी ये नहीं ले रहे हम, ये लेंगे सी, ये ए है ये बी है और यहाँ कौन सा है सी है, और देखो अब सी है इधर कितनी लाइन एक, कितनी लाइन एक, इधर कितनी लाइन दो लाइन, बताओ अनुपात कितना हो गया एक अनुपात दो। देखो अभी इसको भूल जाओ डी को, डी बिंदु है ही नहीं यहाँ पर, हमें कौन सा बिंदु ज्ञात करना है सी, यहाँ यहाँ से यहाँ तक कितनी लाइन एक, यहाँ कितनी लाइन दो, आगे लाइन कितनी एक, पीछे लाइन कितनी दो, अनुपात कितना बन गया एक अनुपात दो, यहाँ अनुपात दे नहीं रखा है, अनुपात आपको बनाना है, अनुपात कितना हो गया एक अनुपात दो, तो ये जो पहला अनुपात हो गया एक अनुपात दो, किसे लिखते हैं एम वन अनुपात एम टू, ये लिखते हैं। अब लगाओ सूत्र, अब देखो दोनों एक्स भी ज्ञात करना है और वाई भी ज्ञात करना है, दोनों एक साथ लगाएंगे सूत्र, कौन से बिंदु का सी बिंदु का, ये सी का एक्स भी ज्ञात करना है और वाई भी ज्ञात करना है, बताओ सूत्र क्या होता है
एम वन प्लस एम टू बटा एम वन प्लस एम टू। ये तो x के लिए, अब y के लिए वही एम वन प्लस एम टू बटा क्या आएगा एम वन प्लस एम टू। अब देखो यहाँ क्या आएगा एक्स टू और यहाँ क्या आएगा एक्स वन, यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा वाई वन। अब सूत्र लगाओ एम वन कितना एक, एम टू कितना दो, क्या लिखेंगे एक प्लस दो बट्टा एक प्लस दो कोमा एक प्लस दो बट्टा एक प्लस दो आ गया। अब आगे तो आएगा एक्स टू और यहाँ आएगा एक्स वन, एक्स टू कितना है एक्स टू कितना है एक, एक्स वन कितना है ग्यारह। अब यहाँ देखो इधर वाई टू कितना है दो, वाई वन कितना है नौ। हल करो देखो एक को एक से गुणा किया एक प्लस दो को ग्यारह से गुणा किया दो और एक कितना हो गया तीन। अब सॉरी यहाँ देखो एक को दो से गुणा किया दो, नौ को दो से गुणा किया क्या नौ है नौ दुनी अठारह बट्टा दो रे कितना हो गया तीन। अब कितना हो गया बाईस और एक तेईस बट्टा तीन कोमा ये कितना हो गया बीस बट्टा तीन। तो ये सी बिंदु के निर्देशांक आगे कितने हैं तेईस बट्टा तीन कोमा बीस बट्टा तीन। अब किसके ज्ञात करने डी के, अब किसको भूल जाओ सी को भूल जाओ, सी बिंदु है ही नहीं, हमें ज्ञात कौन करना है डी। आगे कितनी लाइन है नीचे कितनी लाइन है, अब अनुपात कितना हो गया दो अनुपात एक। बात समझ आ गई, इसको भूल रहे हम, इसको भूलते आगे कितनी लाइन दो नीचे कितनी लाइन एक, अनुपात कितना बन गया दो अनुपात एक, मतलब एम वन हो गया दो और एम टू हो गया एक। अब आपको बार बार सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार लगा दे हमने सूत्र डायरेक्ट मान रखो। क्या ज्ञात करना है डी बिंदु का, क्या x भी ज्ञात करना है और y भी ज्ञात करना है। आप देखो डायरेक्ट सूत्र लिखी रहा है हमारे पास, सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा m1 प्लस m2, अब दो तो आ जाएगा आगे और एक जाएगा पीछे, यहाँ पहले एक आगे था दो पीछे था, अनुपात उल्टा हो गया, यहाँ आगे दो लाइन तो दो और पीछे एक लाइन तो एक, क्या लिखेंगे दो प्लस एक बट्टा दो प्लस एक कोमा उधर भी एक कितना दो प्लस एक बट्टा दो प्लस एक। अब इसके साथ तो आएगा एक्स टू और यहाँ आएगा एक्स वन, एक्स टू कितना एक, यहाँ कितना आएगा एक, इधर कितना है ग्यारह, इधर है आपके ग्यारह, चाहे तो यहाँ की नकल कर सकते हो आप, दो को चेंज कर दो बाकी सेम वो आएगा। आप उधर दो मतलब वाई टू कितना है दो है और वाई वन कितना है वाई वन भी दो ही नौ, वाई वन कितना है इंटू यहाँ भी आएगा नौ। हल करो दो एक दो ग्यारह एक ग्यारह बटा दो रे कितना हो गया तीन कोमा दो दुनी नौ एक बटा कितना तीन, अब दो ग्यारह कितना हो गया तेरह बटा तीन, वो कितना हो गया ये भी तेरह बटा तीन। इस बिंदु का निर्देशांक कितना गया तेरह बटा तीन।